में हनुमान जयंती के जन्मोत्सव पर पथराव हुआ है। हमने अभी अभी वहां के पुलिस अधिकारियों से भी बात करी, एडिशनल डीसीपी मौके पे मौजूद हैं, उनसे भी बात हुई। ये घटनाएं जो हैं ये अचानक नहीं हुई हैं, साजिश के तहत हो रही हैं। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। हालांकि वहां की स्थिति अभी सामान्य हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं, जो लोग दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जहां से पत्थर आए हैं, जो भी दोषी है, उनके घरों की भी चेकिंग होनी चाहिए। उनके घरों में हथियार तो नहीं है, उनकी आईडी क्या है। मैं समझता हूं इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये लगातार जो घटनाएं हैं वो बहुत ही साजिश के तहत हो रही हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास लग रहा है। और मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि ये समय घटना से पल्ला झाड़ने का नहीं है, जिम्मेदारी से भागने का नहीं है। मिल करके ऐसी घटनाओं में दोषी को सजा दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। सर, सद्भाव बनाए। तो मनोज तिवारी को इस वक्त आप सुन रहे थे। साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि दिल्ली में आज जिस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई, उसके पीछे सोची समझी साजिश है। इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर जिस तरह से हमला हुआ, उसके बाद यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में अलर्ट कर दिया गया है। यूपी में पुलिस अफसरों को खास संदेश यहां पर दिया गया है, पुलिस अफसरों को सतर्क रहने का आदेश यहां पर जारी कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह से हालात बिगड़ने ना पाए, और साथ ही यूपी पुलिस को गश्त बढ़ाने के भी आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। दरअसल जिस तरह से आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर पथराव हुआ, शोभा यात्रा पर पथराव करते हुए सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की, उसके चलते यूपी में देखिए किस तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी पुलिस को गश्त बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं, यानी कि किसी भी तरह से असामाजिक जो तत्व है वो माहौल बिगाड़ने ना पाए। यूपी में पुलिस अफसरों को यह खास संदेश दिया गया है, आदेश दिया गया है कि सतर्कता जो है वो पूरी तरह से बरती जानी चाहिए। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए हैं उसकी अपडेट आप तक पहुंचा दें। फिलहाल हालात जो हैं वो काबू में हैं, लेकिन बीजेपी के आदेश गुप्ता का क्या कुछ कहना है यह भी सुनिए, क्योंकि तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं लगातार अब सामने आ रही हैं। सभी को हनुमान जयंती जन्मोत्सव की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और जिस तरह से दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी इलाके में जो सांप्रदायिकवादी ताकतों ने, जो उपद्रवियों ने हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली जाने वाली शांतिपूर्ण ढंग से उस शोभा यात्रा के ऊपर जो पथराव किया, वो मात्र एक संयोग नहीं, एक बहुत बड़ी साजिश है। और इस साजिश की भारतीय जनता पार्टी बहुत निंदा करती है। जो भी इसमें दोषी है, जिन्होंने दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जहांगीरपुरी इलाके में पथराव किया शोभा यात्रा पर, उनको सजा मिलनी चाहिए, और दिल्ली पुलिस उस काम को जरूर करेगी। और मैं स्वयं भी माननीय गृह मंत्री जी से भी बात करूंगा। लेकिन सवाल उठता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार जिस तरह से आए दिन दिल्ली के उन इलाकों में अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर, जहांगीरपुरी हो या जमुना पार हो या दिल्ली के ऐसे इलाके जहां पर बहुत कंजेस्टेड आबादी है, वहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बड़ी संख्या में घुसपैठ कर रहे हैं, और दिल्ली सरकार उनको बिजली के कनेक्शन, पानी मुहैया करा रही है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की भी ये जवाबदारी है कि उन लोगों को, ऐसे सांप्रदायिक उपद्रवियों को, वो संरक्षण क्यों दे रहे हैं। और ये जब